जनपद में शुक्रवार की शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बेतिहाता हनुमान मंदिर स्थित सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर नमाज पढ़ा, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने बुजुर्ग का नमाज पढ़ते वीडियो बना लिया और बुजुर्ग को डांटा भी, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि वह अस्पताल में इलाज कराने आया था और जगह नहीं मिली तो यहाँ पर नमाज पढ़ ली, जबकि सीडीओ के गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। उन्होंने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की लेकिन बुजुर्ग नहीं माना, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे आवास के बाहर नमाज पढ़ी। लगभग 8 बजे एक व्यक्ति द्वारा मुझे फोन करके बताया गया और वीडियो भी भेजा गया, जिस पर कार्यवाही करने के लिए एसपी सिटी को निर्देशित किया गया है। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि सीडीओ संजय कुमार मीना के घर के बाहर एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ा गया, जिसका रास्ते चलते व्यक्ति द्वारा वीडियो बना लिया गया और वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके संबंध में वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि वह नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन वीडियो में नमाजी व्यक्ति बता रहा है कि वह इलाज कराने के लिए शहर में आया था और गोरखपुर का रहने वाला नहीं है, लेकिन सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि उस व्यक्ति का पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि किसी के घर के सामने या पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना गलत है, जिसके लिए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। गोरखपुर में हनुमान मंदिर के बेतिहाता हनुमान मंदिर के उत्तर तरफ IAS संजय कुमार मीना के गेट पर इन माननीय को नमाज पढ़ने की जगह मिली है। इनको और कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो ये गोरखपुर में IAS के गेट पे ही नमाज पढ़ रहे हैं। ये गोरखपुर है, IAS के घर के सामने नमाज पढ़ा जा रहा है गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में कहीं और जगह नहीं मिला है आप एक IAS के गेट पे आकर के नमाज पढ़ रहे हैं? किस मानसिकता से पढ़ रहे हैं? किस मानसिकता से आप पढ़ रहे हैं? पेशेंट लोग आया है, पेशेंट लोग आया, आप यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये नमाज पढ़ने की जगह है? क्या छोड़े अपनी गलती से क्यों छोड़े? आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? नहीं, साथ में है। साथ में है तो क्या मतलब? साथ में आप भी हैं? चलिए, आए हम लोग दवा कराने आए। आप दवा कराने आए हैं, मेरा सिर्फ एक उससे मतलब नहीं, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आपको क्या जगहों की कमी दिख गई जो आप एक IAS के गेट पर आकर के नमाज पढ़ रहे हैं? मैं तभी से रिकॉर्डिंग आपकी कर रहा हूँ, आप फेसबुक लाइव पे चल रहे हैं। तो मैं अपनी गलती से स्वीकार कर। अरे सर, गलती ऐसे होती है? आप गलती नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं ऐसा उम्मीद था। क्या नहीं उम्मीद था आपको? क्या नहीं उम्मीद था आपको? अब क्या करिए, हम करेंगे नहीं। आप यहाँ नमाज क्यों पढ़े? आप जानबूझ के नमाज पढ़े हैं? आपको क्या? एक मिनट शांत रहिए, ड्राइवर साहब शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ऐसी बात नहीं है कोई। आप हमको सिर्फ दो बात का जवाब दीजिए, क्या आपको अगल बगल जगह नहीं दिखा है? जगह नहीं दिखा है? आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे जगह जाके बताइए। वो जगह कहाँ पे? वहाँ जाके बताइए, बिल्कुल जाके बताइए, बिल्कुल जगह पे जाके बताइए। प्रशासन के लोग आप लोग भी हैं सर, आपसे भी दो बात करेंगे। क्या आपको वही जगह मिली है? उसके अलावा कोई जगह नहीं था? अब ये जो है वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। तो साफ सुथरा आप IAS के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे? बाहर आप, वो गेट है, अंदर एंट्री का मार्ग है वो। जो भी बात हो, हम गलती अपनी स्वीकार करते हैं, अब क्या करिए? गलती नहीं है, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह। जान पकड़िए आप, पहले तौबा करिए।
तौबा करिए, सुनिए, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्या सुने आप, तौबा, जमाना बदल गया, एक मिनट मेरी बात सुनिए, तौबा कर, सुनिए, जमाना बदल गया, चलिए हाथ फैलाना चाचा बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे नमाज पढ़ना। आप लोग यहाँ पे देख रहे थे नमाज पढ़ते हुए, आप लोगों ने देखा रिकॉर्डिंग में, आप लोग भी हैं यहाँ से झांक करके देख रहे थे, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, कुछ बोला क्यों नहीं? आप लोग का मन भर चुका है, सीधा सीधा प्रश्न मेरा है, आप यहाँ गेट पे नमाज पढ़वा रहे हैं, आप किस हैसियत से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ नमाज पढ़ने की जगह है ये? आप यहाँ नमाज पढ़ने देंगे तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, मना क्यों नहीं किए आप? आप क्यों नहीं मना किए? आप सभी लोग थे, मैंने सबको देखा है, आप भी देख ही रहे थे, मैंने देखा, मैंने विरोध किया, आप क्या किए हैं? हम तो हटे यहाँ से, तो बोला जाए, क्या बोला जाए? आपने नहीं बोला है, आपके पीछे 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है। इस दुनिया में कहीं नमाज 1 मिनट 1.5 मिनट में अदा नहीं होती है, 1.5 मिनट में IAS का गेट को टारगेट कर दिया गया, आपको अंदाजा नहीं मिल रहा इससे? एक वीडियो वायरल होगा जो आपके आवाज़ का है, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर नमाज पढ़ रहा है, सर क्या मामला है? कल लगभग 5 से 6 बजे के बीच में एक व्यक्ति ने फ़ोन करके हमें बताया कि हमारे आवाज़ के बाहर किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नमाज अदा की जा रही थी, जिसके संबंध में जब वीडियो हमें प्राप्त हुआ तो हमने इसके लिए जो SPCT हैं कृष्ण विष्णुई, उनको तत्काल इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया। सर आगे क्या क्या उनके द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी, इसमें हमारे स्तर से उनको अवगत करा दिया गया। सर वहाँ पर गार्ड भी थे, वो आदमी व्यक्ति आरोप लगा रहे, किसी ने उसको बोला नहीं? गार्ड जो हैं उनके जो आरोप है उसकी जांच की पुष्टि भी SPCT करेंगे, उसके बाद अगर कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। जनपद गोरखपुर के CDO श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी, उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है एवं वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया, कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं, और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था, तो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी CCTV से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसको उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें व्यक्ति आरोप लगा रहे जो गार्ड है किसी ने बोला नहीं, ऐसा कोई अभी तक प्रथम दृष्टया सिर्फ इतना ही मामला संज्ञान में आया है कि उसने पब्लिक प्लेस है जो कि किसी व्यक्ति का प्राइवेट आवास है, उस आवास के बाहर पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ी है, जो कि एक निंदनीय कृत्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच कराई जा रही है, SHO साहब मौके पर हैं, जांच उसकी कर रहे हैं, उसी को देख करके आगे विचार के आदमी कुछ मांग चला है, व्यक्ति कहां अभी जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच का रिजल्ट आएगा ठीक है।